बड़ा खेल किया है। नियम ताक पर रखकर 400 लाइसेंस जारी किए हैं। एक साल में 400 लोगों को लाइसेंस दे दिए गए। मामला खुला, कलेक्ट्रेट से पत्रावलियां भी गायब बताई जा रही हैं। असलहा बाबू का बड़े अफसरों पर संरक्षण है। पकड़े जाने पर बाबू ने जहर खा लिया था, ये भी कहा गया। जो कलेक्ट्रेट पहुंचा उससे असलहे का लाइसेंस मिला है। तो देखिए किस तरह से 400 लोगों को लाइसेंस दिया गया है। पकड़े जाने पर बाबू ने जहर खा लिया था। जो कलेक्ट्रेट पहुंचे उन्हें असलहे का लाइसेंस मिला है। कानपुर में शस्त्र लाइसेंस जारी करने में खेल खेला जा रहा है। डीएम विजय विश्वास पंत ने बड़ा खेल किया है। नियम ताक पर रखकर 400 लाइसेंस जारी किए। तो एक साल में 400 लोगों को लाइसेंस दे दिया गया है। मामला खुलते ही कलेक्ट्रेट से पत्रवलियां भी गायब हुई हैं। असलहा बाबू का बड़े अफसरों पर भी संरक्षण बताया जा रहा है। देवरिया से खबर, जहां 30 करोड़ रुपए लेकर कंपनी हुई फरार। आपको